शासकीय कन्या महाविद्यालय धार में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा विषय पर विश्व बैंक परियोजना के तहत व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में शिक्षाविद सुश्री विनीता धर्म ने छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। संस्था के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुशील फड़के ने छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकार एवं पहचान बनाने की बात कही। मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री विनीता धर्म ने अपने व्याख्यान में बताया कि महिला का सशक्त होना उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति से नहीं है, बल्कि उसके कार्य एवं क्षमता से है। सुश्री विनीता ने बताया कि प्राचीन काल की महिलाएं जैसे अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती ने समाज में नेतृत्व, बंधुत्व, मातृत्व की पहचान दी है। इसी प्रकार महिला को भी पत्नी, बहू एवं बहन की भूमिका को निभाते समय अपने पद एवं शिक्षा को भूलकर जिम्मेदारी तथा कर्तव्य समाज में निभाना चाहिए। उसका कार्य स्थल पर एवं समाज में व्यवहार भिन्न होना चाहिए। उन्होंने अपना संबोधन एक कविता के माध्यम से समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी विभाग प्रमुख प्रोफेसर सुषमा भुवेंद्रम द्वारा तथा आभार डॉक्टर कोमल भाटिया एवं सहयोग प्रोफेसर सुनीता मुजालदे, श्री ओम प्रकाश कोठारी, श्री धीरज शर्मा ने किया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। तो जैसा सर ने बताया, पता नहीं मैंने जब अपनी बात शुरू करनी थी, मन में बनाई थी कि अपने को धार में कॉलेज में जाना है सर, तो गंगा सर मेरे मन की ही बात नहीं कि मैं चाह रही थी कि ऐसा मैं ही नहीं बोलते जाऊँ, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी क्या, जब आपको नोटिस मिला होगा कि आपको सबको 1 बजे यहाँ पर इकट्ठा होना है, सबको गैदरिंग करना है इधर, तो किसी ने सोचा था कि ये क्या है, क्यों है ये सब्जेक्ट, क्यों रखा है, सोचा किसी ने? किसी ने क्या सोचा? ऐसा कोई यहाँ गलत उत्तर दिया तो कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं सर, किसी के माइनस मार्किंग मत करना, मन की बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, सोचना चाहिए है ना कि क्यों बुलाया, क्यों ऐसी क्यों होती है, जैसे अभी दो तीन मैंने ईमानदार से बोला कि हमने नहीं सोचा, सोचना चाहिए कि क्यों बुलाया हमने आज यहाँ पर, क्या काम है, रोज तो क्लासेस अलग अलग है कि आश्रय सब्जेक्ट निपट के जहाँ भी जाओ कि आप मिलने आए हो आपका स्वागत है, पर युद्ध करने आए हो तो दो बातें ध्यान रखना कि यदि मुझसे हारे तो सकेंगे एक महिला से हारे और जीत गए तो मैं महिला, राघव अवतार समझ गए, बातों से अपना आत्मविश्वास अपना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी और करूंगी ही, ये आत्मविश्वास के लिए हमें इनको याद करना पड़ेगा। और ऐसे याद करते समय उन्होंने राघव अवतार ने कहा कि नहीं मैं तो आप यहाँ पे गमी में मिलने के लिए, तो बातों में बातों में उन्होंने अपनी बता दी पहचान, अपना सशक्तिकरण बता दिया, हम भी बता सकते हैं अपना सशक्तिकरण, आवश्यकता उसको पहचान लेने की हमारे अंदर ताकत भी है। अब नए दौर में आए हैं, इसके बीच का एक काल था कि मैत्रेयी, गार्गी जिन्होंने शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ में वो जीती, बड़े बड़े विद्वानों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और अब की बात हम करें तो बिल्कुल शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करेंगे तो उसमें अभी अभी 22 जुलाई और अगस्त में दो अच्छे शुभ समाचार हमारे लिए आए हैं कि भारत की सबसे अमीर महिला और एशिया की सबसे अमीर महिला दोनों महिलाएं हुई, एक का नाम है नादिरा करके हैं और दूसरी जो है वो रोशनी नितार और सावित्री जिंदल, भारत की अमीर महिला। हालांकि आंकड़ा बहुत खुश करने वाला भी नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ की आबादी में 50% आबादी महिलाओं की माने तो 50 करोड़ में सिर्फ 2 महिलाएं, पर कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई, इसलिए इन दोनों को हमें याद करना पड़ेगा। फिर और आधुनिक की ओर आए तो कल्पना चावला भी आपने सुना है, उसको भी चयन करना पड़ा, फिर वो गए आगे और उसके बाद वो आगे जाकर के इतने बड़े अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी वो है ना, तो कल्पना चावला को भी हम याद में रखें। उसके बाद में आप लोग याद रखना है इंदिरा नेई को, सुना है नाम? नहीं सुना। तो ये सब इसीलिए मैं लेक्चर अरेंज करते हैं वर्ल्ड बैंक वाले कि कुछ लोग को जैसे हमको भी पढ़ने का मौका मिले, कुछ इंदिरा नेई को मैं भी शायद पढ़ती है याद नहीं बुलाते लोग, तो पढ़कर के हमें मालूम पड़ता है कि उनके घर में ये सब उनकी माँ का एक नियम था कि रोज एक सब लड़कियों को, सभी बच्चों को लड़के और लड़कियों को एक टास्क देती थी, समझो मैं प्रधान
दो मिनट सबने बोलना है। ऐसे बात करते करते इतने साल तक उनके विचार पक्के हो गए, रोज एक विषय रोज नया नया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।